प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री व उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र से भेदभाव किया, जिस कारण उधमपुर के दूरदराज व पहाड़ी इलाके विकास से वंचित रह गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद क्षेत्र को प्राथमिकता दी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिले के दूरदराज व पहाड़ी इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में उधमपुर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सबसे अधिक सड़कें बनाने वाला देश का तीसरा जिला बनकर सामने आया। मंगलवार को उधमपुर के बसंतगढ़, लाटी, गोडी व लंदेर जैसे उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में अपना चुनाव प्रचार तेज करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज से 10 साल पहले पहाड़ी क्षेत्र सड़कों से वंचित थी और ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो उसे पालकी से सड़क तक पहुंचाया जाता था, लेकिन आज गांव-गांव तक सड़क पहुंची है। इससे लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं व शिक्षा हासिल करना सरल हुआ है। भदरवाह में लेवेंडर की खेती का जिक्र करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब लाटी और बसंतगढ़ में भी इसकी खेती हो रही है, इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि ये सब अवसर यहाँ पहले से उपलब्ध थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में उधमपुर राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आया है। ये बड़ा ही जहीन एक इलाका है, लोग यहाँ के बड़े बुद्धिमान है, समझदार है और सच झूठ का फर्क करना जानते हैं। वो ये जानते हैं कि 2014 से पहले उनकी क्या दशा थी, क्या परिस्थितियां थी, उसके बाद क्या हुई। ये वो इलाका है कि जहां पर के गोडी में रामनगर या उधमपुर से आने के लिए भी सड़क अनुकूल ना थी। लोग अक्सर अपनी गाड़ी चलाने से परहेज करते थे, गाड़ी टूट जाती थी। यहां तक कि एक बार हमारे MLA साहब एक दुर्घटना के बाद यहां पहुंचे तो लोगों ने उत्तेजित होकर उनकी भी गाड़ी तोड़ दी। आज न केवल गोडी को कनेक्टिविटी मिली और रोड वाइंडिंग हो रही है, बल्कि गांव-गांव तक सड़कें पहुंच रही हैं। और यही कारण है कि आज उधमपुर का जिला हिंदुस्तान के तमाम 700-800 जिलों में से पहले 3 में शुमार है ग्रामीण सड़कों के निर्माण में PMGSY स्कीम के तहत। और वो ग्रामीण सड़कों का निर्माण आप देख सकते हैं इसी इलाके में हुआ है, गोल्डी में, लाटी में, बसंतगढ़ में, डुडू में, लांदर में, जहां पिछली सरकारों ने जानबूझकर इस क्षेत्र को वंचित रखा ताकि नए जमाने की रोशनी वहां पहुंचे ना, लोग इसी तरह से पसमांदा हालत में रहे और हर 5 साल के बाद उनसे वोट बटोर दिए जाए। इसके अतिरिक्त मोदी जी के द्वारा जो अनेकों स्कीमें यहां तक पहुंची हैं, चाहे वो उज्ज्वला है, चाहे वो शौचालय है, चाहे वो कच्चे मकान को पक्के में परिवर्तित करना, जिसका सीधा सीधा लाभ महिलाओं को पहुंचा है, उसका आप प्रमाण यहां देख सकते हैं। इतनी भारी संख्या में नारी शक्ति जो अपनी आस्था और अपना स्नेह प्रकट करने आई है, ये केवल राजनीतिक समर्थन देने नहीं आई है, इनकी अंतरात्मा की आवाज है। इसीलिए मैं इस हौसले के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं के घर की महिलाएं भी, गृहिणियां भी मोदी जी को इस बार वोट देने वाली हैं। नरेंद्र मोदी